सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं की एकजुटता टूटने लगी है। शशि थरूर के ताजा रुख से तो यही लगता है कि वे वापस सोनिया गांधी के साथ जाने का मन बना चुके हैं और पत्र को किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं। शशि थरूर की डिनर पार्टी में ही सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने की शुरुआत हुई थी और महीनों की तैयारी के बाद पत्र लिखा गया, लेकिन कार्य समिति की बैठक में इस पत्र को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। पत्र पर दस्तखत करने वाले सभी 23 नेता सोनिया गांधी की नजरों में खलनायक बन गए और अब तो उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने के भी संकेत मिलने लगे हैं। इस नाजुक मौके को देखते हुए शशि थरूर ने पलटी मारते हुए अपने सहयोगियों को यह सलाह दे डाली कि जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि बात खत्म तो खत्म, अब इस मामले पर बहस नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग करते हुए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल थे। हालांकि इस पत्र के मीडिया के सामने आने के बाद से थरूर ने अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और दूसरे नेताओं के तेवर अब तक सख्त हैं और वे अपनी मांग को लेकर सोनिया राहुल ब्रिगेड से दो दो हाथ करने को तैयार भी हैं। लेकिन इस सब के बीच शशि थरूर ने ट्वीट किया और कहा, मैं कांग्रेस में हाल की घटनाओं पर 4 दिनों से चुप था, क्योंकि जब एक बार कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया, यह अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब साथ मिलकर पार्टी के हित पर काम करें। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी साथियों से इस सिद्धांत को बरकरार रखने और बहस को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। गौरतलब है कि सिब्बल, तिवारी और प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस संगठन में व्यापक बदलाव, सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीबीआई ने जैसे ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू की, शिवसेना में हड़कंप मच गया। अब तक भले ही शिवसेना और खुद आदित्य ठाकरे यह कहते आ रहे हों कि सुशांत मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री वाली बात हटा ली है। आदित्य के ऐसा करते ही उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ कथित कनेक्शन की खूब चर्चा हुई। तब संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे तक सबने उछल उछल कर यह बताया कि रिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता नारायण राणे और नीतीश राणे लगातार आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते रहे, लेकिन ट्विटर बायो में फेर बदल कर आदित्य ने उन सभी बातों को फिर से हवा दे दी है जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारे में कई दिनों से थी। आदित्य ठाकरे अभी महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का अभी जो ट्विटर बायो है, उसमें उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष और मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बताया गया है। पिछले दिनों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन के बाद शिवसेना ने मुंबई में जगह जगह होल्डिंग लगाए थे। इन होल्डिंग्स में भी आदित्य ठाकरे की तस्वीर गायब थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही। उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे भी उनके साथ थे। ऐसे में जब राम जन्मभूमि मंदिर पूजन के बाद पार्टी के होर्डिंग्स लगे, उनमें आदित्य ठाकरे का न होना कई लोगों को अखरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी के अंदर बदलाव की जंग जारी है और शायद तब तक जारी रहेगी जब तक बदलाव ना हो
या फिर सोनिया गांधी विरोध करने वाले सभी 23 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता ना दिखा दें। हालांकि सभी चिट्ठीबाज नेताओं को किनारे लगाने का काम सोनिया गांधी शुरू कर चुकी हैं। सोनिया गांधी की जवाबी कार्रवाइयों से गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जो भी कांग्रेस का हित चाहता है वह उनके असहमति पत्र का स्वागत करेगा। आजाद ने एक बार फिर से जोर दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस के अंतरिम कामकाज में जिस किसी की भी वास्तविक रुचि है तो वो हमारे इस प्रस्ताव का स्वागत करेगा। हर राज्य और जिले में अध्यक्ष निर्वाचित हो, पूरी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। आजाद ने कहा कि राहुल गांधी को शुरू में पत्र के साथ कुछ दिक्कतें थी, लेकिन बाद में सोनिया जी और राहुल जी ने कहा कि एक महीने के भीतर चुनाव होने थे लेकिन कोरोना के कारण यह संभव नहीं है। लेकिन हमने सोनिया जी से 6 महीने के लिए अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले कई दशकों से हमारे पास पार्टी में निर्वाचित निकाय नहीं है। हो सकता है कि शायद हमें 10-15 साल पहले इसके लिए कोशिश करनी चाहिए थी। अब हम लगातार चुनाव हार रहे हैं और अगर हमें वापस आना है तो हमें आंतरिक चुनाव कराकर अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, नहीं तो कांग्रेस ऐसे ही विपक्ष में अगले 50 साल तक रहेगी। आजाद ने पत्र लीक होने के मामले में कहा है कि यदि पत्र लीक हो गया तो क्या हो गया। पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव कराने के लिए कहना कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी के समय में भी कैबिनेट की कार्यवाही लीक हो जाती थी। अनुशासनहीनता के सवाल पर पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो लोग कार्य समिति के दौरान कमेंट्री कर रहे थे क्या वे अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे? जो लोग हमें गाली दे रहे थे क्या वे अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी। इससे पहले कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और गुलाम नबी आजाद समेत 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में व्यापक बदलाव, सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी। इस पत्र को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। पत्र के बाद सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लगातार 7 घंटे तक मीटिंग चली। CWC ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं को अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखने के साथ अपनी बातों को पार्टी के मंच पर रखने की नसीहत भी दी थी। CWC ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में मचे बवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव को जरा याद कीजिए। मंदसौर में राहुल गांधी की रैली ने उस समय प्रदेश का सियासी मिजाज बदल दिया था, जब उन्होंने मंच से कर्ज माफी का वादा किया। गुटबाजी में उलझी कांग्रेस एकजुट हो गई थी तो किसान भी कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। नतीजा रहा कि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। अब आते हैं ताजा हालात पर। कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर कहल, गांधी परिवार या गैर गांधी के नेतृत्व पर पार्टी का दोफाड़ होता जा रहा है। इसका असर सभी राज्यों के साथ उस मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है, जहां विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव से पार्टी सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी थी और कहल की वजह से कांग्रेस की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, अजय सिंह सहित कई प्रमुख नेताओं के दिल्ली कनेक्शन से उपजी खेमेबंदी चर्चा में है। कांग्रेस की कहल कार्यकर्ताओं को असमंजस में तो धकेल ही रही है। आम मतदाता भी कांग्रेस को लेकर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में संगठन के मुख्य सूत्र हैं, लेकिन दिल्ली में मची उठापटक के बाद इनकी राहें भी एक नहीं दिख रही। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दोनों एक साथ नहीं गए, न ही उपचुनाव को लेकर दोनों कभी चर्चा में बैठे, जिससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता का संदेश जा सके। ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने में थोड़ी संख्या में ही कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए।
सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस संगठन स्तर पर काफी उथल पुथल देखी गई। ग्वालियर चंबल में तो लगभग पूरा संगठन ही सिंधिया के समर्थकों के हाथ में था, जो अब बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। कड़ी टक्कर देने के लिए वो बीजेपी में विद्रोह पर नजर रखे हुए हैं और बीजेपी के बागियों को मौका देने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी मुश्किल है युवाओं को मौका ना मिलना। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में युवा चेहरों की कमी है, जिसे भरने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटों सहित जीतू पटवारी की खींचतान सड़क से सोशल मीडिया तक दिख गई है। बुजुर्ग नेताओं के ही हावी होने की दशा में युवा भी भविष्य के लिए इंतजार मुद्रा में है। उन्हें भी उम्मीद है कि राहुल गांधी यदि पार्टी की कमान संभालते हैं तो उन्हें भी मौका मिल सकता है, लेकिन जो हालात हैं उसमें सोनिया गांधी ही 6 महीने तक अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी और इस बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव निपट जाएंगे। यदि कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश होंगे और पार्टी के एक बार फिर धड़ों में बिखर जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को इस बात का डर सता रहा है कि अगर संगठन के चुनाव हुए तो पार्टी टूट जाएगी। संजय निरुपम का कहना है कि आज के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराना घातक होगा, क्योंकि अगर चुनाव हुए तो लोकप्रियता के कारण राहुल गांधी ही जीतेंगे, यह तय है, लेकिन पार्टी में चुनाव के बाद बड़ा विभाजन हो जाएगा। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने ट्वीट किया और कहा, कांग्रेस में जिस संगठनात्मक चुनाव की बात कुछ नेतागण कर रहे हैं, देश में कितने राजनीतिक दलों में वैसे चुनाव हुए हैं? आज के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराना घातक है। वैसे चुनाव हुए तो राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन पार्टी में बड़ा विभाजन हो जाएगा। इसके पहले संजय निरुपम ने सोनिया गांधी को लिखी 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी को राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया था। निरुपम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े संगठनों में कलहबाजी हमेशा से ही रही है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते गए हैं लोग, और ये षड्यंत्र दिल्ली में बैठे कुछ लोग हमेशा से ही रचते रहे हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं जिन्होंने साइन किए हैं। कई लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा से ही राहुल जी के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। उनकी वजह से ही कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बड़े बदलाव की मांग रखी है। इन नेताओं में कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों के अलावा 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि पार्टी अपना सपोर्ट बेस खो रही है और युवाओं का भरोसा भी। नेतृत्व पर सवाल करते हुए इन नेताओं ने एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की है, जो न सिर्फ काम करता नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम भी करे। इसके अलावा कार्य समिति का चुनाव कराने और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कोई योजना बनाने की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाविकास आघाड़ी में जारी महाभारत और शरद पवार से खटपट के बाद अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ महीनों बाद दिखे तो महाराष्ट्र का सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने साथ शपथ लेकर
राजनीतिक कोहराम मचा दिया था। उसके बाद अब दोनों नेता पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मल्टी स्टोरी कोविड 19 अस्पताल के उद्घाटन समारोह में साथ दिखे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। पुणे में इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार साथ साथ दिखाई दिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ कई दावे किए गए, लेकिन फिर अचानक देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर लोगों को हैरत में डाल दिया। हालांकि बाद में शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद अजीत फिर से एनसीपी में वापस लौटे और शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। इस पूरे घटनाक्रम के महीनों बाद शुक्रवार को एक बार फिर दोनों नेता साथ दिखाई दिए। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के एक बार फिर कार्यक्रम में मौजूद रहने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम फडणवीस ने पुणे जिले में अजीत पवार द्वारा कराए गए कामों की तारीफ की, लेकिन शिवसेना की जमकर खिंचाई भी की। गौरतलब है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन शिवसेना ने जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर ज्यादा भरोसा जताया था। मामला ज्यादा बढ़ा तो पार्थ पवार को शरद पवार की तरफ से डांट पड़ी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच को सही ठहराया गया और शिवसेना को झटका लगा। तब भी पार्थ ने सीबीआई जांच का स्वागत किया था, इसे लेकर भी राज्य की राजनीति में काफी कायसबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।